रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आपने लीडर बनना है। लीडर वो होता है जो अपने अंदर तब्दीली लेके आता है, और तब्दीली लाने के लिए बंदे को रास्ता तब्दील करना पड़ता है, सच बोलना पड़ता है, साफ़ सुथरा रहना, अपने आप को साफ रखना, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना, हमेशा मुस्बत सोच रखना कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा है, मुझे दिमाग दिया है सोचने वाला, मुझे हाथ पांव दिए हैं, मुझे आंखें दी हैं, मुझे खुश रहना है, मुझे अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है। ज़िंदगी में बंदा तभी खुश रह सकता है, उन लोगों की तरफ देखे जिनको ज़िंदगी में कम नेमतें मिली हैं आपसे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और नवाजूँगा। तो अल्लाह ताला जो नेमतें हैं हमारे पास, अल्लाह ताला हमें उन्हें खर्च करने वाला और शुक्रगुजार बंदा बनाए। तो हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। हम मैथ्स में एडिशन कर रहे हैं, एडिशन विद कैरिंग। अभी तक तो हमने एडिशन जो है, एडिशन में नंबर ज़्यादा हो जाता है, और हम देखते हैं कि वन से टेंस में कैसे कन्वर्ट होता है। आज हम नंबर लाइन के मेथड से करेंगे। एट के आगे आप चार और गिनती करें तो 12 पे एंड होता है, तो आप 12 या 12, 8+4 इज़ 12, 1 10s और 2 1s। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी 9+5। तो एक आप नंबर लाइन लगाएं 1 to 20, और जहाँ पे 9 आता है उससे आगे 5 और लाइनें लगाते जाएं, तो ये 14 पे आके रुक गया है। तो इसका मतलब है 9+5 इज़ इक्वल टू 14। तो 14 में 1 10s और 4 1s हैं। तो ये आपकी बुक में जो है, मैथ्स की बुक में ये प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। कॉपी पेंसिल लेकर इनको अपनी कॉपी पे लिखें, इनको इसी तरह नंबर लाइन से हल करें, और वीडियो को यहाँ पे रोकें क्योंकि आगे इन सब के जवाब हैं। तो यहाँ पे वीडियो रोकना मत भूलिएगा। तो हम 1 और 10s के कॉलम बना लेंगे, जब हम ऐड करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें पहले से 15 है। 15 में आपको पता है कि 1 10 होता है 5 1s+7 1s। तो हम बिल्कुल नंबर लाइन के ऊपर जो है वो 5 से आगे 7 काउंट करते जाएंगे, और वो 12 पे आके ख़त्म हो गया। इसका मतलब है 15.7 जो है वो 12, और क्योंकि एक पहले से है तो ये 22 बन जाएगा। तो ये कैरिंग होता है कि हमने 1 से कैरी किया 1 या जो, और वो हमने 10s में शिफ्ट कर दिया। तो अब ये आपकी बुक में प्रॉब्लम्स हैं, इनको कॉपी करें, इनको सॉल्व करें, वीडियो यहाँ पे रोकें क्योंकि अगली स्लाइड में इन सारे के जवाब के साथ है। तो उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर आप फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस। अब हम थोड़ी सी नेक्स्ट बड़ी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। हमारे पास हैं 47+29। तो हम इनको 1s और 10s में डिवाइड कर लेंगे, दो कॉलम बनाएंगे। तो हमारे पास 47 में 4 10s और 7 1s हैं, और 29 में 2 10s और 9। और इसी तरह पहले हम 1s को काउंट करेंगे और फिर 10s को काउंट करेंगे। तो 1s में हमारे पास 16 आया, एक कैरी ओवर हो गया जो कि 10s में ऐड हो जाएगा। आप 4 से 2 तक नंबर लाइन पे करें और फिर 1 कैरी कर दें, तो ये हमारे पास आ गया 76 आंसर। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 29+16 है, तो अब उसी तरह हम एक नंबर लाइन लगाते हैं 20 तक। पहले हम 1s को ऐड करेंगे, 9+6 जो है वो 15 के बराबर है, तो 1 कैरी हो गया। तो अब हम 10s में 2+1 और +1 कैरी 2 ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास आ गया 9, 6, 5, और कैरी 1 कैरी हुआ और 4। तो उम्मीद है कि आप ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको अच्छी तरह नहीं आएगा। ये आपकी बुक में प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, नंबर लाइन लगाएं और उसके मुताबिक हल करें इनको, क्योंकि आगे जो है वो इनके आंसर्स आ रहे हैं। तो स्टॉप दिस वीडियो, और उसके बाद आप अपने जो आंसर्स हैं वो चेक कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको एडिशन का ये तरीका पसंद आया होगा। लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।